दोस्तों वीचेन कॉइन की अगर हम बात करें तो ये कॉइन 1 से लेकर 2 रुपए के बीच में पिछले 1 से 1.5 साल से चलता आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 रुपए का जो इसने प्राइस पकड़ा है उस प्राइस को इसने कंटिन्यू रखा है और यहाँ पर एक कांस्टेंट प्राइस हमें पिछले 1.5 साल से इसके ग्राफ में देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ की तो यहाँ पर फिर भी ये कॉइन अपने ऑल टाइम लो से लगभग 93% से अप है और ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 24% का ग्रोथ इसके प्राइस में हमें देखने को मिल चुका है। साथ ही में काफी सारी अपडेट्स इसके यूज केस में हमें देखने को मिली। वीचेन स्वैप को लॉन्च किया गया, साथ ही में माइक्रोमेशन के साथ यहाँ पर टीम अप किया गया और इसी के साथ में यहाँ पर ब्लॉकचेन बायोस्फीयर जैसे एक बड़े इनिशिएटिव को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इन्हीं कुछ अपडेट्स के कारण इसके प्राइस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। कितना पंप हो सकता है, कितने प्राइस पॉइंट पर यह जा सकता है आने वाले 7 सालों के अंदर यानी कि 2030 तक, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीचेन यानी कि वेट कॉइन के बारे में। दोस्तों करंटली अगर हम बात करें तो वीचेन कॉइन के प्राइस में हमें एक बड़ा पंप देखने को मिला था जहां पर रिसेंटली एक हाइप के कारण इसके प्राइस में ऑलमोस्ट हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिल गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं 1.29 रुपीज से बढ़कर ये सीधा पहुंच गया था 2.49 रुपीज के आसपास, एक बहुत ही बड़ा पंप था और इस प्राइस ग्रोथ के कारण इसके प्राइस में हमें ऑलमोस्ट 30-40% का ग्रोथ देखने को मिला था। साथ ही में आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, किस तरह से ये आने वाले सालों के अंदर ग्रो करता नजर आएगा। 2023 से लेकर तो 2030 का ये कुछ एक बड़ा एनालिसिस करके प्रेडिक्शन लगाया गया है और इस प्रेडिक्शन के हिसाब से हर एक चीज के बारे में डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी एनर्जी ने रिसेंटली यहाँ पर स्वैपिंग टेक्निक को बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर डेवलप किया है। इस अपडेट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई मेथड को इन्होंने जनरेट किया जहाँ पर www.swap.vchain.energy को यूज करके, इस लिंक को यूज करके वेट टोकन्स में डायरेक्टली किसी भी टोकन को एक्सचेंज किया जा सकता है। आपको किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड या ट्रेडिशनल एक्सचेंज में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह का एक बड़ा और मेजर अपडेट हमें इसके इकोसिस्टम में रिसेंटली देखने को मिल चुका है। साथ ही में अगर हम दूसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने माइक्रोमेशन के साथ एक बड़ा इंटीग्रेशन किया ताकि इसके टूल चेन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स एंगेज हो सके। साथ ही में जो तीसरा अपडेट था वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर वीचेन इज एक्सपांडिंग इट्स इंसेंटिवाइज्ड सस्टेनेबल एंड सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव ग्लोबली कॉल्ड द ब्लॉकचेन बायोस्फीयर। ये इसका एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ज्यादा समय से यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा था लेकिन फिर से इसे रिवाइव किया गया है और यहाँ पर वाइट पेपर को लॉन्च करके और काफी सारे एप्लीकेशन जैसे BYD कार्बन क्रेडिट DApp, इस तरह के कुछ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। साथ ही में BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इको फ्रेंडली तरीके से लॉन्च किया गया ताकि ब्लॉकचेन बायोस्फीयर को और भी ज्यादा बूम मिल सके। तो इस तरह से कुछ 3 अपडेट्स हमें रिसेंटली देखने को मिली है जो कि वीचेन के इकोसिस्टम को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर वीचेन की करंट अपडेट्स की तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वीचेन में की फीचर्स क्या क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेसेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है और इस तरह के कुछ बिजनेस ट्रैक्स है जो यहाँ पर इस कॉइन को यूनिक बनाते हैं, इसके इको सिस्टम को यूनिक बनाते हैं। साथ ही में वीचेन थॉर जो है वो भी इसका एक बड़ा नेटिव टोकन है जो इसे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करता नजर आ रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर पार्टनरशिप्स की तो यहाँ पर कई बड़ी कंपनीज के साथ हमें इसके प्लेटफॉर्म में पार्टनरशिप देखने को मिली है। सबसे पहले तो BMW जैसी बड़ी कंपनी के साथ इसने पार्टनरशिप की, साथ ही में PwC और DNVGL जैसी बड़ी कंपनीज इसके साथ रियल वर्ल्ड में पार्टनरशिप कर चुकी है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शंस की तो यहाँ पर एक सॉलिड प्राइस प्रेडिक्शन लगाया गया है 2023 से लेकर तो 2030 के लिए। इस प्राइस प्रेडिक्शन के अंदर वीचेन का प्राइस हमें 2023 में जो एंड होता दिखाई देगा वो ऑलमोस्ट $0.034 के आसपास हो सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट रुपीज में अगर हम बात करें 3.06 रुपीज के आसपास। वहीं पर अगर हम बात करें 2025 की तो यहाँ पर 2025 का जो प्राइस प्रेडिक्शन लगाया गया है वो ऑलमोस्ट $0.063 के आसपास लगाया गया है, यानी कि अगर हम रुपीज में बात करें तो ऑलमोस्ट 5.67 रुपीज के आसपास। डायरेक्टली अगर हम चले जाते हैं 2030 की तो यहाँ पर जो 2030 का प्राइस प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट $0.280 के आसपास है, यानी कि रुपीज में इसका जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट 25 रुपीज के आसपास हो सकता है, यानी कि अगले
सात सालों के अंदर ये कॉइन अपने प्राइस में 25 रुपीज को टच करता नजर आएगा। वहीं पर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस एग्रीगेट पर, इस प्राइस प्रेडिक्शन पर ये कॉइन आने वाले बुलरन में ही जाता दिखाई दे सकता है। कोई नहीं जानता कि बुलरन में कोई कॉइन कितना ग्रो कर सकता है और कितने ज्यादा प्राइस पॉइंट पर पहुंच सकता है। वहीं पर मार्केट में ज्यादातर कॉइन्स ऐसे ही है जो इस बेरिश मार्केट के अंदर अपने ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो इस तरह की कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती रहती है। और जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है तो टेक्निकल एनालिसिस इन्हीं कुछ सिचुएशंस को देखते हुए लगाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट वीचेन कॉइन से रिलेटेड, जिसमें होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से वीचेन कॉइन आने वाले समय के अंदर ग्रोथ दिखाएगा, क्या होगा इसका प्राइस प्रेडिक्शन और किस तरह से इसके प्राइस में हमें आने वाले समय के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो होप आपको मेरे इस वीडियो ने वीचेन से रिलेटेड करंटली सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं।